हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एंड ऑस्मोसिस और एग्जोस्मोसिस के बारे में। तो बेसिकली हमारा जो लास्ट वीडियो था वो ऑस्मोसिस का, हमने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था उसमें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस, वन इज एंड ऑस्मोसिस एंड अनदर इज एग्जोस्मोसिस। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंपैरेटिव चार्ट। ओके, सो एंड ऑस्मोसिस में क्या होगा, एंडो का मतलब ही होता है इनवर्ड। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंडो मीन्स, एंडो रिफर्स टू इनवर्ड। ओके, और यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो एक्सो का मतलब ही होता है आउटवर्ड। तो जब भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा इनवर्ड की तरफ, जब भी इनवर्ड मूवमेंट होगा, आप ऐसे बोल सकते हैं जब भी इनवर्ड मूवमेंट होगा वाटर का, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसा कि हम लोगों ने ऑस्मोसिस में कल ही पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने, कि जो इनवर्ड मूवमेंट है वाटर का थ्रू SPM, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू SPM, ओके। जब हम सेल को कहां पे रखते हैं, हाइपोटोनिक कंडीशन में, सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक। का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जहां पे कंसंट्रेशन लेस हो, कंसंट्रेशन इज लेस, और आप ऐसा कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पर हो जाएगा एग्जोस्मोसिस में। यहाँ पे आउटवर्ड मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, आउटवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है, SPM के थ्रू, वाया SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे हम लोगों ने सेल को किस में रखा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा हो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जब एंड ऑस्मोसिस होगी तो सेल में क्या हो जाएगा, सेल टेंड्स टू स्वेल अप, यहाँ पे स्वेलिंग आएगी। और यहाँ पे आएगा श्रिंकेज। स्वेलिंग इसलिए होगी स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट ऑफ इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, सेल अपने को टर्जिडिटी मेंटेन करेगा, टर्जिडिटी अचीव। टर्जिडिटी का मतलब सेल ने उतना पानी ले लिया है, अब उसको पास और कैपेसिटी नहीं बची है, टर्जिडिटी अचीव, ऐसे लिख सकते हैं आप उसको, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इट लीड्स टू टर्जिडिटी इन प्लांट सेल्स। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम आपको बता सकते हैं, अगर आप लोग रेजिन को कभी भी वाटर में स्वेल करें, वाटर में सोक करेंगे तो वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी। या हम लोग विल्टेड लेट्यूस लीव्स को कोल्ड वाटर में रखेंगे तो वहां पे भी एंड ऑस्मोसिस के थ्रू, आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं यहाँ पे रेजिन वाला और विल्टेड लेट्यूस प्लांट लीव्स, लेट्यूस लीव्स, इसमें भी एंड ऑस्मोसिस होगी और सेल टर्जिडिटी मेंटेन करेगी। दूसरा एक्सोस्मोसिस का हम लोगों ने पॉइंट लिखा ही हुआ है कि यहाँ पे आउटवर्ड मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का वाया SPM, श्रिंकेज होगा, हाइपरटोनिक कंडीशंस होंगी, सेल्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर की ओर जा रहे होंगे, इसी की वजह से श्रिंकेज होगा। और यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल अचीव होगी। प्लाज्मोलिसिस का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी। प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल्स इज ड्यू टू एग्जोस्मोसिस। एग्जोस्मोसिस का मतलब वाटर बाहर जाना चाह रहा है, तो जब वाटर बाहर जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो कंटेंट है, प्लाज्मोलिसिस का मतलब ही होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिसिस हो जाना, लिसिस का मतलब ही ब्रेकडाउन। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सेल की जब रप्चर हो रही है तो जितना भी वाटर कंटेंट है वो बाहर चला जाएगा, इस वजह से सेल में श्रिंकेज आ जाएगा। और आप ऐसा भी देख सकते हैं जो ग्रेप्स में श्रिंकेज होता है,
जब हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग सुगर सॉल्यूशन में रख दें। आप एग्जांपल में यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं एग्जांपल ऊपर लिख दे रही हूँ, श्रिंकेज ऑफ ग्रेप्स। वहां पे रेजिन को हम लोगों ने स्वेलिंग कराई थी एंडोस्मोसिस में, यहाँ पे श्रिंकेज ऑफ ग्रेप्स होगा व्हेन इट इज इमर्स इन वेरी स्ट्रॉन्ग सुगर सॉल्यूशन, इन स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन। ये भी प्रोसेस एग्जोस्मोसिस से ही होगा, क्योंकि जो वाटर है वो बाहर की ओर जा रहा होगा और ग्रेप्स में श्रिंकेज आएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आउटसाइड द ग्रेप्स, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन काफी कंसंट्रेटेड होगा। तो फ्रेंड्स, ये एग्जोस्मोसिस एंडोस्मोसिस का बहुत ही बेसिक चार्ट मैंने आपको दिया है, इन पॉइंट तो आपको रिमेम्बर करना होगा। और एक पॉइंट अगर चाहे तो यहाँ पे सेल अगर टर्जिडिटी पे है तो इधर फ्लेसिडिटी अचीव हो जाएगी, आप ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट में, यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्लेसिड कंडीशन हो जाएगी, मीन्स प्लांट में अपना जितने भी सेल्स है वो प्लाज्मोलाइज कंडीशन में, यहाँ पे डी प्लाज्मोलाइज कंडीशन होगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें कि हम लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंसेस क्लियर करेंगे, वो भी एक कंपेरेटिव चार्ट होगा। ऑल्दो मैंने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का अलग अलग वीडियो सेपरेट डाला हुआ है, फिर भी मैं कंपेरेटिव चार्ट आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप अपना रिविजन प्रॉपर रखें, स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही सजेशन है, क्योंकि आपको पता है कि आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं और कभी भी हो सकते हैं लॉकडाउन खुलते ही, इसलिए कीप योर कंटेंट रिवाइज्ड। अगर रिवीजन की कमी हुई तो आप रिजल्ट अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग मी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, शेयर विद योर फ्रेंड्स, वी विल मीट सून। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।